कौन है? वो जो कभी तुम्हारा था अब नहीं है। यार बहुत निकम्मा निकला है। तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? निकम्मा स्फंदियार नहीं, लापरवाह तो मैं ही थी ना हमेशा से। खुद से भी कोई रिश्ता नहीं निभा पाए। तुम बताओ तौकीर, तुम कैसे हो? वैसा ही हूं मैं, उलझा हुआ, टूटा हुआ। पुरानी दरारें अभी भी वैसे ही हैं, भरी नहीं। हमारी आखिरी मुलाकात में तुमने मुझसे वादा किया था तुम घर बसाने का संजीदगी से सोचोगे। हाँ, मैंने कई बार संजीदगी से सोचा, लेकिन कोई दूसरी मुझसे संजीदा ही नहीं हुई। शायद तुम्हारे साथ रहते रहते परफेक्शन की आदत पड़ गई थी मुझे। और तुम तो जानती हो परफेक्शन की रिप्लेसमेंट नहीं होते। काश मैं इतनी परफेक्ट होती जितना तुम मुझे समझते रहे। इस फंदियार को कहा भी था मेरी बीमारी की इतना ना दे तुम्हें। ठीक हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारी जैसी जिंदा दिल को कैंसर क्या कह सकता है। कैसा है? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं करता होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ही है। मैं आपसे नाराज, लेकिन बहुत जल्द उसकी जिंदगी में कोई आने वाली है उसका सारा गुस्सा खत्म कर देगी। रियली? कौन है? मरियम नाम है उसका। आर्यन की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। मैं लाया हूं उसको साथ अपने, तुमसे मिलवा रहे हैं। बुलाओ। बुला दो। हेलो। हाँ मरियम, कम इन प्लीज। वहां क्यों खड़ी हो बेटा? तेरे पास
हाँ बोलो आर्यन, कुछ काम था? कई बार आपसे मिलने की कोशिश की, पर आई थिंक आप आजकल काफी बिजी हैं। आपके पीए ने हमेशा इंतजार करने का कहा है। कुछ दिन से मैं ऑफिस कम आ रही हूँ, डच डेलीगेशन आया हुआ, उनके साथ कुछ मसरूफियत थी। आई सी। वो मुझे बाबा बता रहे थे कि कुछ दिन पहले आप हमारे घर आई थी किसी काम से, और कुछ कहे बिना चली गई। I hope everything is all right. हाँ, वो एक्चुअली उस एरिया में मेरी एक फ्रेंड रहती है, उससे मिलने गई थी मैं। सोचा तुम्हारे घर से भी पोतियां एक कप कॉफी का हो जाता, तुम नहीं थे तो मैं वापस लौट आई। Sorry. अगर मुझे पता होता कि आप आने वाली हैं तो मैं जरूर वेट करता आपका। Anyways, जब भी आप आना चाहती हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। भाभा भी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं भी एक बार फिर उनसे जरूर मिलना चाहूंगी। तुमने बताया नहीं कि तुम इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो। बहुत सुना है मैंने तुम्हारे फादर के बारे में। थी वो एक्चुअली खुद तारुफ करवाने से मना करते हैं, और मैं बोल भी गया था। कोई बात नहीं, तारुफ तो हो गया था उनसे, वो भी ऐसा जो उम्र भर याद रहेगा। थैंक यू।